वेलकम टू माय चैनल धनश्री क्लासेस। बच्चों आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में आज हम यहाँ पर देखेंगे एडजेक्टिव की डेफिनेशन यहाँ पर देखेंगे और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के टाइप्स जो है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच का अगला जो पार्ट है वो एडजेक्टिव, जिसे हम कहते हैं विशेषण, वो हम आज यहाँ पर देखते हैं। तो एडजेक्टिव किसे कहते हैं कि एडजेक्टिव इज एन डिस्क्राइबिंग वर्ड, ये एडजेक्टिव की डेफिनेशन है। एडजेक्टिव इज एन डिस्क्राइबिंग वर्ड, इट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं, मतलब एडजेक्टिव कहते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के थ्री टाइप्स है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो देखिए इसमें फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसे कहेंगे कि इट शोज द क्वालिटी, मतलब गुड और बैड, इट शोज द क्वालिटी गुड और बैड ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन जो नाउन है इसके बारे में गुड या बैड कहा जाता है उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इन अदर इट आंसर द क्वेश्चन व्हाट काइंड, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इसके एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं कि पहला हरी इज अ काइंड पर्सन। हरी के बारे में बताया गया है, हरी की विशेषता बताई गई है कि क्या है कि हरी इज अ काइंड पर्सन। तभी इसमें काइंड क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। कौन सा एडजेक्टिव की क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज हरी, हरी इज अ काइंड पर्सन, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखिए यहाँ पर, द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट। क्वेश्चन के बारे में बताया गया है कि क्वेश्चन कैसा है, डिफिकल्ट है। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज इट, इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये हुए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मीन्स क्या कि इट शोज द क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटी यहाँ पर बताई गई, लेकिन कैसी, अनकाउंटेबल, जो काउंट नहीं हो सकती। इट आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, हाउ मच ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका आंसर दिया जाता है कि कितनी, अनकाउंटेबल। तो फॉर एग्जाम्पल कैसे है कि देखिए, देयर इज मच शुगर इन द टी, टी में शुगर कितनी है, मच। हाउ मच शुगर इज देयर इन द टी, देयर इज मच शुगर इन द टी, इसमें एडजेक्टिव क्या आएगा, मच। सेकेंड जो एग्जाम्पल है देखिए, इसमें सम नॉइस इज कमिंग फ्रॉम द रूम, सम नॉइस, नॉइस, हाउ मच नॉइस इज कमिंग फ्रॉम द रूम, सम नॉइस इज कमिंग फ्रॉम द रूम, ठीक है। इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यहाँ पर जो हमने दो एग्जाम्पल देखे इसमें मच और यहाँ पर आएगा सम नॉइस, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो है वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, थर्ड पार्ट है। तो देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर का डेफिनेशन, इट शोज नंबर ऑफ नाउन, नाउन काउंटेबल। अब देखिए यहाँ पर जो नंबर है वो काउंटेबल रहेंगे और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में अनकाउंटेबल रहेंगे, ठीक है। इट शोज द नंबर ऑफ नाउन काउंटेबल, इट इज यूज टू इंडिकेट द एग्जैक्ट कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर मतलब 1, 2, 3 इन्फिनिटी कितने भी उसे, और ऑर्डिनल नंबर 1st, 2nd, 3rd, और इंडिकेटिव नंबर मतलब मेनी, सर्वल, फ्यू एक्सेट्रा ऑफ नाउन और प्रोनाउन। इट आंसर द आंसर टू द क्वेश्चन हाउ मेनी और इट व्हाट नंबर, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ मेनी या व्हाट नंबर, ठीक है। एग्जांपल लिखते हैं, फर्स्ट द थ्री फ्रेंड्स हैव गॉन टू वॉच द मूवी, मूवी देखने के लिए कितने फ्रेंड गए, थ्री फ्रेंड्स गए, थ्री यहाँ पर काउंटेबल है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। तो किस तरह से क्वेश्चन आता है देखिए, हाउ मेनी फ्रेंड्स हैव गॉन टू वॉच द मूवी, हाउ मेनी यहाँ पर मेनी करके पूछा गए हैं, थ्री फ्रेंड्स हैव गॉन टू वॉच द मूवी। उसके बाद है द टुगेदर हैज एक्सप्लेन द प्रॉब्लम सर्वल टाइम्स, सर्वल इसमें कौन सा एडजेक्टिव आएगा, सर्वल।
और वो काउंटेबल एडजेक्टिव आएगा. हाउ मेनी टाइम्स हैज द टीचर्स एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, द टीचर हैज एक्सप्लेन द प्रॉब्लम सर्वल टाइम्स. ठीक है, तो ये एडजेक्टिव के थ्री टाइप्स यहाँ पर हुए, थ्री काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव जो आज हमने यहाँ पर देखे. आई होप जो हमने आज यहाँ पर एडजेक्टिव के टाइप्स देखे आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लगेगा. ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना. वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.